हिंदुस्तान की धार्मिक संस्कृति अपने अलग अलग रंग लिए है और हम धर्म और श्रद्धा के इन्हीं रंगों से रूबरू करवाने के लिए आपको लिए चलते हैं। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर जहां श्रद्धा किसी शक्तिपुंज से कम नहीं, वहां आप भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी यादों को फिर से महसूस करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की पश्चिमी सीमा का निकेबहा जैसलमेर पाकिस्तान सीमा से सटा है और यहाँ बना ये तनोट माता का मंदिर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो अपने आप में अद्भुत है, जो श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र के साथ भारत पाक के 65 और 71 के युद्ध का मूक गवाह भी है। ये माता का चमत्कार ही है जो इसे श्रद्धालुओं और सेना के दिलों में विशेष स्थान दिलाता है। ये ना कोई दंत कथा है और ना ही कोई मनगढ़ंत कहानी। जब साल 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय शूर वीरों की तनोट माता ने रक्षा की थी। दरअसल मान्यता है कि माता ने भारतीय सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस घटना की याद में तनोट माता मंदिर के संग्रहालय में आज भी पाकिस्तान सेना की ओर से दागे गए जीवित बम रखे हैं। दुश्मन ने 3 अलग अलग दिशाओं से तनोट पर भारी आक्रमण किया। एक और दुश्मन के तोपखाने जबरदस्त बारूद बरसा रहे थे तो भारतीय सरजमी की रक्षा के लिए मेजर जय सिंह की कमांड में ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। 1965 की इस जंग में पाक सेना ने करीब 3000 बम गिराए, लेकिन इनसे मंदिर पर खरोंच तक नहीं आई। यहाँ तक मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे ही नहीं। ये मंदिर तकरीबन 1200 साल पुराना है। 1965 के युद्ध के अंदर घंटियाली माता और तनोट राय माता इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में पाकिस्तान ने हजारों बम बरसाए, उसमें से 459 बम तो इसी कैंपस में गिरे, लेकिन ये माता का चमत्कार ही था कि उनमें से एक भी बम नहीं फटा। और तब से ही, जब से ये बम नहीं फटे, तब से जो है तनोट माता को कई लोग जो है बमों वाली माता के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तानी सेना की मंशा तनोट पर कब्जा करने की थी। पाक सेना तनोट पर कब्जा कर लेती तो वह इस क्षेत्र पर अपना दावा कर सकती थी, इसलिए दोनों ही सेनाओं के लिए तनोट महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। साल 1965 में 17 से 19 नवंबर के बीच जब नापाक मंसूबों के साथ पाक सेना ने हमला बोला, हिंद के जाबाजों के शौर्य और माता के चमत्कार से पाक को शिकस्त खानी पड़ी और पाक सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। तनोट माता के दर्शन के लिए भारत के सभी जगहों से श्रद्धालु दर्शाती हमारे पास आते हैं और आने के बाद में हम पूरा इंश्योर करते हैं कि उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत ना पैदा हो, उसके लिए हमने यहाँ पे उनके जो भी लिमिटेड हमारे पास सोर्सेस हैं उसके रहने की व्यवस्था हमने की हुई है। क्योंकि सीमा सुरक्षा बल में हेल्थ का बहुत कॉशियस है और खाने पीने की जितनी भी चीज़ें यहाँ बनती हैं वो बहुत ही बहुत कम लिमिटेड घी तेल में बनती हैं, इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऐसे जो लोग हैं यहाँ पे ठीक ठाक उनको खाना प्राप्त हो। उसके अलावा भी क्या है कि हमारे पास मेडिकल एड्स हमने यहाँ पे प्लान हमने किए हुए हैं कि जो छोटी मोटी अगर किसी को परेशानी अगर होती है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट यहाँ पर अवेलेबल है। ये हमारा BSF का कैंपस में मंदिर है। BSF यहाँ पे इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और कभी भी माता का चमत्कार है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और कभी भी माता रानी की कृपा से हमारे कभी भी सुरक्षा में चूक नहीं हुई है। माता के चमत्कार के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलाबारी करने लगी। घटना के गवाह के तौर पर आज भी मंदिर परिसर में 450 तोप के गोले रखे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। तनोट राय जी का जन्म विक्रम संवत 808 ईस्वी में हुआ था। जब माता जी का जन्म हुआ तो 847 ईस्वी में जब माता जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, इस दुनिया से गए, तो उनके स्थान पे जो आप मेन मूल मंदिर देखोगे वहाँ आपको प्रतिमा की दोनों तरफ शिला दिखाई देगी ऑरेंज कलर की, वो तनोट माता जी की स्वयंभू शिला है। वो शिला लगभग 1200 साल पुरानी शिला है तनोट माता के मुख्य मंदिर में, जो आज भी भक्तों के दर्शनों के लिए केंद्र का देखने का मुख्य कारण मुख्य दृश्य है। यहाँ पे करीब 1200 साल पुराने तनोट माता मंदिर की BSF ही देख रेख करता है।
वहीं श्रद्धालुओं की जितनी आस्था इस मंदिर के प्रति है उतनी ही आस्था देश के जवानों के प्रति थी। सेना की ओर से धर्मशालाएं, स्वास्थ्य कैंप और दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। नवरात्र में तो सेना अतिरिक्त संसाधन लगाकर व्यवस्थाएं माकूल करती है। हम तो एक पार्ट हैं सीमा सुरक्षा बल का, बहुत छोटा सा हिस्सा है। 1965 से ही यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल इस मंदिर की देखभाल और पूजा पाठ की जिम्मेदारी संभाले हुए है। अब वर्तमान में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो हमारे टास्क भी उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। रोड माता के मंदिर में हम सुबह ड्यूटी जाते समय यहाँ माता के मंदिर दर्शन करके जाते हैं और शाम को ड्यूटी से आते भी दर्शन करते हैं और सुबह शाम आरती करते हैं। देश भर के विभिन्न शक्ति पीठों के बीच अपनी खास पहचान स्थापित करने वाला ये मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के साथ ही सदियों से सीमा का प्रहरी बना हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालु मन्नत मांगने के साथ ही एक रुमाल बांधता है और मन्नत पूरी होने के बाद वो ये रुमाल खोलने और माँ का धन्यवाद करने आते हैं। यहाँ अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान के रुमाल बंधे हैं। तनोट माता के प्रति सीएम गहलोत की अटूट आस्था है। वैसे वे कई मंचों पर जैसलमेर को अपना दूसरा घर कह चुके हैं। जब यहाँ बम गिराए गए मंदिर में तो छूटे नहीं, पूजियों की रक्षा की माता ने, इतनी आस्था है हमारी माता में, ये सुनकर हम यहाँ आए। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय यहाँ पर बम वगैरह कुछ डाले गए थे जो फूटे नहीं माता जान की कृपा से। हम मंदिर में हमारी बहुत आस्था, बहुत लोगों से सुना, काफी लोग विजिट करके गए यहाँ पे, इसीलिए हमने स्पेशल प्रोग्राम बना के यहाँ पे हम लोग आए माता जी के मंदिर। बहरहाल तनोट माता का ये मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि सेना को भी अपने आप से जोड़े हुए है। खास बात ये है कि भारत ही नहीं पाकिस्तानी सेना के लिए भी ये आस्था का केंद्र है। सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।